पिछले साल कतर में हुआ फीफा वर्ल्ड कप स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए अच्छा नहीं रहा। उनकी टीम पुर्तगाल क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। उसके बाद से ही फुटबॉल जगत में ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत जल्द ही संन्यास ले लेंगे। लेकिन इस बीच रोनाल्डो ने सऊदी अरब के अल नस्र कप के साथ बहुत बड़ी डील पक्की की है। इस डील के साथ वो फुटबॉल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच पर। विश्व फुटबॉल में दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार 37 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नए फुटबॉल क्लब के साथ डील साइन की है। उन्होंने सऊदी अरब के अल नस्र क्लब के साथ साल 2025 तक करार किया है। अब उन्हें इस क्लब से हर साल करीब $200 मिलियन की रकम मिलेगी। भारतीय रुपयों में अगर बात करें तो इस डील से रोनाल्डो को हर साल 1,770 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्लब ने इसका ऑफिशियल तौर पर ऐलान भी कर दिया है। फुटबॉल क्लब अल नस्र ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि इतिहास बन रहा है। ये डील न केवल हमारे क्लब को बड़ी सफलता दिलवाने की प्रेरणा देगी, बल्कि हमारे राष्ट्र आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा देगी। क्रिस्टियानो का उनके नए घर अल नस्र में स्वागत है। रोनाल्डो के फुटबॉल करियर में अल नस्र चौथा क्लब है। ये क्लब सऊदी अरब का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब माना जाता है। रोनाल्डो इससे पहले यूनाइटेड मैनचेस्टर के लिए खेलते थे। वहां उन्हें हर हफ्ते के $6,05,000 दिए जाते थे। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बीच में इस क्लब ने रोनाल्डो से अपना करार तोड़ लिया था। वहीं अल नस्र की ओर से अब उन्हें हर हफ्ते $10,00,000 दिए जाएंगे। फुटबॉल के इस दिग्गज खिलाड़ी का सऊदी अरब के अल नस्र क्लब के साथ जुड़ने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और स्टोरीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।